उधर जाएगा उतना बैंक के पास आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, नहीं तो बैंक के पास देने के लिए बचेगा क्या। तो अभी भी मामला बड़ा टिपिकल है, ढेर सारी खबरें अच्छी और बुरी दोनों तरह से आएगी। इन खबरों को आप अपने हिसाब से विश्लेषण कर सकते हैं, अच्छी भी मान सकते हैं, बुरी भी मान सकते हैं। अच्छी खबर यह कि कंपनियां पेमेंट कर रही हैं, कंपनियां डूबेंगी नहीं। बुरी खबर यह कि अगर AGR का पैसा दे रहा तो बाकी कुछ बचा है क्या। अच्छी खबर ये कह सकते हैं कि आधा ही देना पड़ सकता है। बुरी खबर है कि आधा देने पर फैसला होगा या नहीं होगा या पूरा देना पड़ा तो बहुत सारे इफ्स और बट्स हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अभी भी स्टॉक्स वोलेटाइल हो सकते हैं। आज भी आप देखिए CLSE की रिपोर्ट 3.5 रुपए का टारगेट वोडाफोन आइडिया का दे रही है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, यहाँ पर जो कुछ रिलीफ है वो भारतीय एयरटेल के लिहाज से देखिए, वोडाफोन आइडिया अभी भी क्वेश्चन मार्क वाला स्टॉक है और उसके दम पर एक रिकवरी शायद हो सकता है आज सरकारी बैंकों में बने जी कि कंपनियों ने इंटेंशन दिखाया, लेकिन वो रिकवरी कितनी टिकाऊ होगी ये देखने वाली बात होगी। और सर एक फाइनल सवाल, ये मार्केट सेंटिमेंट का इसका क्या मीनिंग है? बिकॉज एक तो बैंक्स और टेलीकॉम है जी, दूसरा हमने देखा PSU स्टॉक्स में भी गिरावट हुई, वही सवाल है स्टॉक्स जिनको नोटिस गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आप TDSAT जाइए, कहीं और जाइए, हमारे पास मत आइए। और सरकार का इसमें अब क्या रोल रहेगा क्योंकि वो दिखा रहे हैं एक तरफ से कि नोटिस नहीं भेजा जब पेमेंट पहले नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सरकार ने फॉलो नहीं करा, पर अब सरकार ने फिर से नए नोटिस दिए, तो इसमें सरकार का क्या